हेलो दोस्तों, मैं योगेश प्रॉपर्टी 2050 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की वीडियो हम लोग लेके आए हैं। ये प्रोजेक्ट है आराधना ग्रीन्स। इस वीडियो को पूरा देखना। इस प्रोजेक्ट की खास बात है दोस्तों, ये ग्रीन व्यू के बिल्कुल नज़दीक है और इस प्रोजेक्ट का नाम है आराधना ग्रीन्स। देहरादून का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप देख सकते हो कि मैं कितना इन्जॉय यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ इसके सराउंडिंग की, पूरा ओपन स्पेस है, पूरा आप देखोगे पूरा आपको ओपन स्पेस मिलेगा इस साइड को, और मैक्सिमम ओपन एरिया। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट में बहुत इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ। सेंटर सिटी से मैं बात करूँ तो हार्डली 15 टू 18 मिनट की डिस्टेंस पे पड़ता है, अगर क्लॉक टावर से मैं डिस्टेंस की बात करूँ। इसके अलावा डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल, अभी आपको इसी वीडियो में कहीं दिखा होगा, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच में ये है। जो लोग नेचर को प्यार करते हैं, नेचर लवर हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर ये ऑप्शन हो सकता है। मैं बात करूं इस पूरे प्रोजेक्ट की, इसमें देखिए सबसे खास बात मुझे लगी दोस्तों, इसमें जॉगिंग ट्रैक है, 700 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है। अगर आप लोग जॉगिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है। पीछे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट इनका बनने वाला है, और मतलब ग्रीनरी का बहुत ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है। 6 टावर्स हैं, जो टावर हैं आप देख सकते हैं, ये 6 टावर इसमें टोटल हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं, जो मतलब नेचर लवर हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पानी आता है वो स्रोत का पानी आता है दोस्तों। मतलब आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं दोस्तों। बाकी आप देख रहे हो वीडियो में। इसके अलावा हमारे साथ में अभी इस प्रोजेक्ट की तरफ से महिमा जी हैं, वो आपको इस प्रोजेक्ट का एक कम्प्लीट टूर देंगी। और दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए बहुत ही बेहतर डिस्काउंट है, अगर आप प्रॉपर्टी 2050 की तरफ से जाते हैं आराधना ग्रीन्स के टीम पे, तो आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है। सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, सारी चीज़ें दोस्तों, प्रोजेक्ट की डिटेल हो गई, कितने बेडरूम हैं, क्या क्या साइजेस हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक और डिटेल्स देने वाला हूं। इसमें आपको 2 BHK, 3 BHK और पेंट हाउस मिलेगा। 136 यूनिट इसमें टोटल हैं, और बाकी डिटेल्स आपको महिमा जी देंगी आराधना ग्रीन्स की तरफ से। तो मैं माइक उनको हैंड ओवर करूँगा, और इसके बाद में सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको महिमा जी देंगी। वेलकम टू प्रॉपर्टी 2050। मैं महिमा आराधना ग्रीन्स का आपको साइट टूर करा रही हूँ आज। जो हमारा पूरा आराधना ग्रीन्स है 20 BGA में बना हुआ है। 136 फ्लैट्स हैं इसमें, 6 फ्लोर्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं। ये हमारा चिल्ड्रन प्ले एरिया है, 4 साइड वेंटिलेटेड है। इसमें हम लोगों ने 2 कवर्ड पार्किंग दे रखी है आपको। एंट्रेंस पे इसका ग्रॉसरी शॉप, कैफेटेरिया ओपन हो रहा है। सिटी से 5 डिग्री का ड्रॉप ऑफ है। हमारे पास यहाँ 3 लाख लीटर्स के अंडरग्राउंड टैंक है। हर ब्लॉक में हम लोगों ने 40,000 लीटर का टैंक दे रखा है। पोस्टपेड मीटर्स लगा रखे हैं हम लोगों ने। ये हमारी यहाँ पर नीचे 2 कवर्ड पार्किंग है, 4 साइड वेंटिलेटेड है, ओपन एरिया है। ये हमारी कवर्ड पार्किंग है, 2 कवर्ड पार्किंग दे रखी है हम लोगों ने। अब हम आपको 3 BHK का टूर कराने जा रहे हैं। इस ब्लॉक में 3 BHK भी है, 2 BHK भी है, एंड पेंट हाउस दे रखा है इसमें हम लोगों ने। 6 फ्लोर्स हैं। ये हमारा पार्किंग एरिया का व्यू है। ये हमारी स्टेयर्स हैं, ये हम लोगों ने चौड़ी स्टेयर्स दे रखी हैं। एक फ्लोर पे हम लोगों ने 4 फ्लैट्स दे रखे हैं, 2 लिफ्ट दे रखी हैं, एक इंस्टॉल्ड है, एक इंस्टॉल्ड हो जाएगी, एक पैसेंजर लिफ्ट है, एक सर्विस लिफ्ट दे रखी है। अब ऊपर चलते हैं फ्लैट की तरफ। अब हम लिफ्ट से बाहर आ गए हैं, अब हम फ्लोर पे आ गए हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये हमारा फ्लोर प्लान है। इसमें हम लोगों ने 2 BHK, 2 2 BHK दे रखे हैं और 2 3 BHK दे रखे हैं। ये हमारी ओपन गैलरी है। ये 2 BHK की एंट्री है, ये 3 BHK की एंट्री है। ये 4 साइड वेंटिलेटेड है। थ्री बी एच के में हम लोगों ने एक सर्वेंट क्वार्टर दिया है, प्लस वॉशरूम दिया है। एज अ स्टडी रूम या एज अ स्टोर भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इसमें एक वॉशरूम भी दिया है। ये हमारा 3 BHK है,
ये 2253 स्क्वायर फिट में बना हुआ है, ये फुल वुडन है। ये हमारी 3BHK की एंट्री है और 2253 स्क्वायर फिट में बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक पेंटिंग भी लगा सकते हैं। ये हमारा ड्राइंग एरिया है, इसमें सोफा लगाने के बाद भी इतना स्पेस बचा हुआ है। इसमें हम लोगों ने ये लीग्रेंट्स के दे रखे हैं और वायरिंग हेवेल्स की दे रखी है। इसमें फोर साइड वेंटिलेटेड है, ये इसकी विंडोज दे रखी है हम लोगों ने। फैंस, लाइट्स, ये हमारा सिटआउट्स है। ये हमारा फर्स्ट सिटआउट है। इसमें व्यू देखिए, बिल्कुल फुल ग्रीन है, जीरो नॉइस पॉल्यूशन है। अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पर ही हैं, तब इतना अच्छा व्यू है। ये हमारा पार्किंग एरिया है, एंट्रेंस के लिए दो कवर्ड पार्किंग दे रखी है हम लोगों ने। ये बहुत खुला है, बहुत खुला स्पेस दे रखा है यहाँ पर। ये पार्किंग के जाने के लिए रोड है। ये मजेस्टिक साल फॉरेस्ट है, इसमें ये पेड़ कम नहीं हो सकते हैं, मतलब बढ़ेंगे इन फ्यूचर ना। पूरा ओपन एरिया है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, इसमें भी एक हम लोगों ने एक विंडो दे रखी है। इसमें व्यू बहुत अच्छा है। ये हमारा वुडन, पूरा फुल वुडन वार्डरोब दे रखा है, हर बेडरूम में दे रखा है ये हम लोगों ने। ये इसका वॉशरूम है। ये हम लोगों ने हैंडवेयर का दे रखा है और जितनी टैप्स लगी हुई हैं वो हम लोगों ने जैगवार की दे रखी हैं। जितनी शीट्स हैं वो हैंडवेयर की है। इसमें देखिए कितना स्पेस है अभी भी, मतलब बेड बिछाने के बाद भी इतना स्पेस दिया गया है। फोर साइड वेंटिलेटेड है ये भी। ये इसमें हम लोगों ने ड्रॉर्स दे रखे हैं, इसमें एक विंडो दे रखा है, फोर साइड वेंटिलेटेड है ये भी। इसमें हम लोग चिमनी चूल्हा लगा कर देते हैं और गीजर लगा कर देते हैं। किचन में स्पेस बहुत ज़्यादा है, चार से पांच लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर किचन में, इतना स्पेस है। ये हम लोगों ने जैगवार का मिक्सचर दे रखा है। यहाँ पर स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, देखिए कितनी सारी कैबिनेट्स बनी हुई हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये इसमें हमारा उसका सेकेंड सिट आउट है। इसमें हम लोगों ने सेकेंड सिट आउट दे रखा है, ये इतना स्पेस दे रखा है सिट आउट में भी, ये बैठ भी सकते हैं। पूरा ग्रीन व्यू है। फोर साइड वेंटिलेटेड है। डाइनिंग के बाद भी कितनी स्पेस ओपन है इसमें। ये क्रॉकरी के लिए स्पेस दे रखी है। इसका ये सेकंड बेडरूम है, इसमें हम लोगों ने दो विंडोज दे रखी है, एक विंडो ये दे रखी है जिसमें बाहर का व्यू आ रहा है। फर्स्ट विंडो है ये, इसमें पूरा बाहर का व्यू दिख रहा है फॉरेस्ट का। ये इसका सेकंड विंडो है, इधर देखिए कितना ओपन एरिया है। ये इसमें भी वार्डरोब्स दे रखी हैं। ये इसका वॉशरूम दे रखा है, हर बेडरूम में हम लोगों ने वॉशरूम। इसमें स्पेस देखिए, बेड बिछाने के बाद भी कितना स्पेस बचा हुआ है। जितनी भी टैप्स हैं ये हम लोगों ने जैगवार की दे रखी हैं एंड ये हैंडवेयर की दे रखी हैं।
वॉशरूम में भी स्पेस हम लोगों ने अच्छा दे रखा है। इसमें लाइट फैन हम लोग लगा कर देते हैं। ये हमने लीग्रेंड के लगा रखे हैं और वायरिंग हमने हैवेल्स की कर रखी है। ये मास्टर बेडरूम है प्लस मास्टर वॉशरूम। इसमें भी एक हम लोगों ने विंडो दे रखी है। इसमें भी इतना ओपन एरिया है, फोर साइड वेंटिलेटेड है, बेड लगने के बाद भी इतना स्पेस दे रखा है। ये इसमें भी वार्डरोब्स दे रखे हैं हम लोगों ने। ये पूरा हम लोगों ने पूरा फुल वुडन वर्क करा हुआ है। ये हमारा 3 BHK है, 2253 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें हम लोगों ने एक सर्वेंट रूम, सर्वेंट क्वार्टर एंड प्लस बाथरूम दिया गया है। एज अ स्टोर, एज अ स्टडी रूम भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इसके एंट्रेंस में एक अलग ही हम लोगों ने सेपरेट ड्राइंग रूम दे रखा है। मतलब उसमें एक प्राइवेसी है, बेडरूम से प्राइवेसी एक हम लोगों ने ड्राइंग रूम दे रखा है। ड्राइंग रूम में एक सिट आउट दे रखा है, जीरो नॉइज पॉल्यूशन है, पूरा ग्रीनरी व्यू है, फोर साइड वेंटिलेटेड है, मॉड्यूलर किचन दे रखी है। इसमें हम लोग चिमनी चूल्हा लगा कर देंगे। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, इतना सामान बिछाने के बाद भी इतना स्पेस है। इसमें ये सेकेंड सेट आउट दे रखा है, हर बेडरूम में वॉशरूम अटैच्ड है। दो बेडरूम, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है, हर बेडरूम में वॉशरूम अटैच्ड है। ये मास्टर बेडरूम है और ये मास्टर वॉशरूम है। पूरा वायरिंग हम लोगों ने हैवेल्स, पूरे उसमें वायरिंग हैवेल्स की कर रखी है। अगर आप प्रॉपर्टी 2050 की तरफ से आते हैं तो हमारे पास आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इफ़ कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, एंड नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं।